भाई सच में आज का दिन शाहरुख और उनके चाहने वालों के लिए वाकई बेहद खास है, क्योंकि जहां एक तरफ शाहरुख के इंडस्ट्री में 29 इयर्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो वहीं आज का दिन वापस काम पर लौटने के लिए भी काफी स्पेशल है। तभी तो देखिए, आज ही के दिन शाहरुख पहुंच चुके हैं पठान के सेट पर और आ गई है शाहरुख नाम की सुनामी। जी हां, बॉलीवुड के बादशाह वापस से बैक इन एक्शन मोड में आ गए हैं और इस बात का सबूत दे रही है ये फोटो जिसमें शाहरुख खान की कार नजर आ रही है जो कि यशराज स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुई है और शाहरुख को सिद्धार्थ आनंद के साथ भी देखा गया है। हालांकि सिद्धार्थ और शाहरुख की तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें हैं कि ये मीटिंग पठान की शूटिंग के लिए ही है। दरअसल ये फोटो फैंसी क्रेव नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने पोस्ट की है जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है, किंग इज बैक इन एक्शन, शाहरुख खान इन यशराज स्टूडियोज विद सिद्धार्थ आनंद, पठान शूटिंग इज स्टार्टिंग। कुछ देर पहले ही खबरें आई थी कि पठान का शूट अगले हफ्ते शुरू होगा, तो आपको बता दें कि सबसे पहले शाहरुख फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और अगले हफ्ते दीपिका और जॉन अब्राहम शाहरुख को ज्वाइन करेंगे। पिंकविल्ला ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया है कि पठान हैज रिज्यूम्ड इट्स शूटिंग शेड्यूल एंड एसआरके इज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन द शूट, इट विल बी अ 15-18 डेज शेड्यूल इन मुंबई। John Abraham and Deepika Padukone will join the actor in few days. A major portion of the film will be shot in this schedule before the team heads to international locations to shoot the big action sequences. जिसका मतलब साफ है कि पहले मेकर्स यहां के बचे हुए काम को निपटा देना चाहते हैं ताकि जब यहां का शेड्यूल पूरा हो जाए तो वो देख सके कि बाहर यानी कि विदेश का माहौल कैसा है और क्या वहां शूटिंग करने लायक हालात और छूट हैं। खैर, आपको बता दें कि पठान का आधे से ज्यादा शूट पूरा हो चुका है, सिर्फ पठान के भारी भरकम एक्शन सीन्स रह गए हैं और सलमान का कैमियो शूट करना है जो कि यूरोप में ही किया जाएगा, जिसके लिए टीम अभी से तैयारियों में जुट गई है। अब ऐसे में शाहरुख अगर सबसे पहले पहुंचे हैं तो हो सकता है कि उनके हिस्से का थोड़ा ज्यादा काम बाकी रह गया हो जो वो जॉन और दीपिका के आने से पहले पूरा करना चाहते हो ताकि फिल्म समय से पहले ही पूरी हो जाए। और इस जल्दी को देख तो यही लगता है कि शाहरुख खान अपने फैन से किया हुआ वादा इसी साल हर हाल में पूरा करेंगे, यानी कि पठान की रिलीज करके। वैसे बीते दिन से ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आज शाहरुख खान पठान से अपने ऑफिशियल लुक को रिवील कर फैंस को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। फिलहाल तो लुक सामने आया नहीं, लेकिन पठान के सेट पर पहुंचकर शाहरुख ने डेफिनेटली अपने चाहने वालों को खुश जरूर कर दिया है। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।